नमस्कार मेरे सभी मैकेनिक भाइयों को, जो भी यूरिया डोजर रिपेयरिंग का काम चालू करना चाहते हैं या CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का काम चालू करना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरी ट्रेनिंग के साथ इन उपकरणों को रिपेयर करने की मशीन भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे वर्कशॉप में हैं और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्फी का जो इंजेक्टर है, खासकर पोलो या I-20 का, जिसे C3I इंजेक्टर भी कहते हैं, दो इंजेक्टर होते हैं बेसिकली, C2I और C3I। तो C2I या C3I में बेसिकली अंतर ये होता है कि C2I इंजेक्टर में जो कोड होता है इंजेक्टर का वो 16 डिजिट का होता है और जो C3I में होता है वो 20 यानी 20 डिजिट का कोड होता है। तो C3I का जो इंजेक्टर है पोलो या I-20 का या एक्सेंट का, वो कैसे हमें रिपेयर करना है बहुत प्रिसाइजली, बिना किसी कोडिंग मशीन के भी हम उसे किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं उस इंजेक्टर को, कि आपको गाड़ी में कोडिंग की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोडिंग का उद्देश्य केवल इतना होता है कि जो इंजेक्टर्स में एक जो डिफरेंस होता है 0.5 सीसी का, 0.2 सीसी का या 1.5 सीसी का, उसको बैलेंस करना। उससे नॉकिंग की इतनी ज़्यादा संभावना नहीं बनती जब तक आप बिल्कुल ही एक पहले नंबर के इंजेक्टर को चौथे को पहले में ऐसे ना कर दो तब तक। तो वर्कशॉप में ऑन टेबल उसको किस तरीके से रिपेयर करना है, क्या क्या डायमेंशंस हमें देखनी है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए देखते हैं कैसे हमें डेल्फी का जो इंजेक्टर है वो रिपेयर करना है। चलिए, अभी हमारे पास सामने हमारे डेल्फी का इंजेक्टर है और अभी हम इसे डिसमेंटल करेंगे 1-on-1। तो ये देखिए, ये हमारे पास नोजल कैप है। डेल्फी इंजेक्टर का जो नोजल कैप है वो 45 न्यूटन मीटर पे सेट होता है। 45 न्यूटन मीटर के अराउंड ही इसको टाइट किया जाता है। क्यों ऐसा होता है ये अभी हम देखेंगे। ये इसकी नोजल है, ये पार्ट इसका जो है ये नोजल है। अब यहाँ नोजल में आप देख सकते हो आपको जो है स्प्रिंग मिलेगी। ये जो स्प्रिंग है ये ओपनिंग प्रेशर स्प्रिंग है, कि ये जो हमारी नोजल है इसके देखिए यहाँ पे टिप पे बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, कि उसे ओरिफिस कहते हैं हम। तो वो अभी हो सकता है पॉसिबली देखें ना आपको। तो ये होल्स फायर करना कितने प्रेशर पे चालू करेंगे ये स्प्रिंग डिसाइड करती है, कि 110 बार पे, 80 बार पे या 140 बार पे ये नोजल हमारा फायर करेगा, ये उस स्प्रिंग से डिसाइड होता है। इसलिए इसका नाम है ओपनिंग प्रेशर स्प्रिंग। ये इसमें से जो है आपकी नीडल निकली, ये नोजल नीडल है, ये नोजल नीडल का जो हमारा टिप है ये जब नीचे जाता है, ये जो टिप है ये जब नीचे इसमें बैठता है तो होल्स को बंद कर देता है। जब ये ऊपर की तरफ चलती है ये नीडल पूरी अंदर ऐसे होती है, प्रेशर से जब ये नीडल ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है तो होल्स खुल जाते हैं और फायरिंग हो जाती है, और वापस जब ये दोबारा नीचे जाती है तो होल्स बंद हो जाते हैं और फायरिंग भी स्टॉप हो जाती है। तो ये स्प्रिंग को हम यहीं पे इसमें बैठा देते हैं अभी। अब ये जो चीज़ है ये इसका एक मेन पार्ट है, ये कंट्रोल वॉल्व है। इस इंजेक्टर के अंदर जो प्रेशर है वो 300 बार से लेकर के आपका 1800-2000 बार तक, जैसा कि थियोरेटिकली बताया जाता है इसके पंप की एफिशिएंसी है, तो उतना ये प्रेशर मेंटेन करके रखता है, मेंटेन करके रखने का काम है इसका। दूसरा, ये नोजल कितनी डिलीवरी देगी ये भी यही ये जो हमारा कंट्रोल वाल्व है इसी के माध्यम से डिसाइड होता है। इसमें ये आप गोल गोल देख रहे हो चमकीला सा, ये इसका आर्मेचर है, ये आर्मेचर बिल्कुल फ्री होना चाहिए इस तरीके से, देखिए बिल्कुल फ्री है, ये ऊपर नीचे ट्रैवल करता है और जैसे ही ये ऊपर की तरफ उठता है नोजल फायर करती है, वापस बैठता है तो नोजल फायर करना बंद कर जाती है। अक्सर ये जाम हो जाता है और अभी ये बिल्कुल फ्री है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो इस इंजेक्टर में जैसे डीजल यहाँ से एंटर करता है हमारा मेन
यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से हमारी जो है बैक लीक जाती है वापस टैंक में और नोजल हमारी फायर करती है। तो जब ये वाला पार्ट ख़राब हो जाता है तो यहाँ से जितना भी डीजल एंटर करता है हमारे इंजेक्टर में ज़्यादातर 70-80% वापस टैंक में लौट जाता है, तो बैक लीक बहुत बढ़ जाती है, तो इस वजह से इसको बदला जाता है। अब यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसको बदलते समय बहुत हमें ध्यान रखना है, ये सारे के सारे कंट्रोल वाल्व एक जैसे दिखते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है एक दूसरे के में लग सकते हैं। जैसे बुलेरो का इसमें आपने लगा दिया तो वो गलत है, इसका आपने बुलेरो में लगा दिया वो गलत है, इस i20 का आपने टाटा अल्ट्रा में लगा दिया वो गलत है। यहाँ पे देखिए ये इसका पार्ट नंबर है 28428540277, ये इस टिक्की का जो है पार्ट नंबर है। बहुत जगह पे यही नहीं पता कि पर्टिकुलर इस टिक्की का पार्ट नंबर क्या है, तो ये आज हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये आप कंट्रोल वाल्व को ऐसे रखोगे, यहाँ पे जो आपको पार्ट नंबर दिख रहा है ये साइड पे 28540277 ये जो लिखा हुआ है ये इसका पार्ट नंबर है, दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 28540277 ये इसका पार्ट नंबर है, और जिस पार्ट नंबर का कंट्रोल वाल्व निकला है उसी पार्ट नंबर का कंट्रोल वाल्व हमारे इंजेक्टर में डलना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि ओरिजिनल कंट्रोल वाल्व डालता हूँ तो भी नॉकिंग आती है। भाई अगर आप पोलो में या i20 में बुलेरो का कंट्रोल वाल्व डाल दोगे ओरिजिनल, डेफिनेटली 110% वो नॉकिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग पल्स पे जो इसकी रीडिंग है वो इस पार्ट नंबर के हिसाब से चेंज हो जाती है। अब इसके बाद एक कैटेगरी आती है जहाँ पे ये इंजेक्टर रिपेयर होने जाता है और हमारे जो पंप मैकेनिक्स हैं जो हमारे भाई हैं उनमें से ज़्यादातर क्या है, ये जो स्प्रिंग है ये आर्मेचर की स्प्रिंग है, देखिए ये जो स्प्रिंग आपको दिख रही है उठी हुई ये आर्मेचर स्प्रिंग है, वो इसको खींच देंगे या इसको घिस देंगे, क्योंकि गाड़ी में नॉकिंग आ रही है लगातार, उसको बंद करने के लिए क्या करें समझ में नहीं आ रहा, तो उसको घिसना या खींचना चालू कर देते हैं इस उम्मीद से कि शायद कोई परिवर्तन आ जाए। कभी कभार गाड़ी में नॉकिंग बंद हो जाती है, कभी कभार बहुत बढ़ जाती है, बैक लीक बढ़ जाती है, तो किस तरीके से इस स्प्रिंग का एडजस्टमेंट करना है कि हमारे कंट्रोल वाल्व पे कि हमारा जो ये कंट्रोल वाल्व है इसका जो आर्मेचर है इस पे जो टेंशन है इस स्प्रिंग की, क्योंकि जब ये हम बैठाएंगे तो कुछ इस तरीके से बैठाएंगे, ऐसे करके बैठाएंगे, तो इसकी जो टेंशन है स्प्रिंग की इस आर्मेचर पे वो बिल्कुल परफेक्ट रहे, बहुत ज़्यादा ना रहे बहुत कम ना रहे। अब ये स्प्रिंग खींचने से क्या है, जो हमारे पास सिमुलेटर्स हैं उनमें इतना ज़्यादा करंट निकलता है कि इंजेक्टर फायर कर ही जाता है, तो हमें लगता है कि इंजेक्टर फायर कर रहा है सही है, गाड़ी पे जाते हैं तो नॉकिंग करने लगता है, मिसिंग आ जाती है, हंटिंग आ जाती है, तो इस स्प्रिंग का एडजस्टमेंट कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इस स्प्रिंग को हम बाहर निकालेंगे, ठीक, और इसके अंदर एक शिम है, ये हमारा मैग्नेट कॉइल है और इसके अंदर एक शिम है जो इस स्प्रिंग की टेंशन को बढ़ाता या घटाता है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैप को लगा देंगे, ठीक से लगा देंगे इसको, अब इसको जो है हमें ऐसे पंच करना होगा, पंच करने से क्या है अंदर की वो शिम बाहर आ जाएगी, तो इसको पंच करके निकालते हैं। पंच हमने किया और देखिए शिम जो है हमारी वो बाहर आ गई, ये शिम है हमारी ये बाहर आ गई। डिफरेंट साइजेस की ये शिम आती है, इसको एडजस्ट कैसे करना है ये अब हम देखते हैं। अभी हम
इसको दोबारा से खोल लेंगे कैप को। ठीक, ये सिम हम इसके अंदर रीइंस्टॉल करेंगे, हमने अभी आपको दिखाने के लिए निकाली थी। ये स्प्रिंग हम इसमें डाल देंगे दोबारा। ठीक, अभी स्प्रिंग यहाँ पे ऊपर उठी हुई है, ये इस आर्मेचर से ये ऊपर तक का जो उठान है आपका, ये जो आर्मेचर है सरफेस यहाँ से लेकर के इस स्प्रिंग तक का जो उठान है इसका एक नाप है, तो ये हमने यहाँ पे हमारा एपरेटस ले लिया है, ये हमको यूज़ करना है, जो बच्चा वॉशर को नापने के काम में आता है। ये सरफेस पे हम रखेंगे इसे इस तरीके से और ज़ीरो कर लेंगे। ठीक, ज़ीरो करने के बाद जब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो 0.910 से लेकर के आपका 0.950 तक I20 एक्सेंट पोलो में इसकी जो नाप है वो रहेगी। 0.910 से लेकर के 0.950 के अराउंड ये नाप जो है यहाँ पे रहेगी। ये स्प्रिंग के ऊपर रखेंगे ये यहाँ पे ये पार्ट, और इसको नीचे कर लेंगे, नीचे ऐसे प्रेस कर देंगे। अभी ये जो आ रहा है ये आपका आ रहा है 919, ये इसमें। तो अब क्या होता है कि जैसे आपने इसकी स्प्रिंग खींच दी, ये स्प्रिंग आपने यहाँ पे खींच दी, आज बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में, लेकिन खैर आई होप आपको चीज़ समझ में आ जाए कि ये स्प्रिंग अब किसी ने खींच दी या स्प्रिंग किसी ने घिस दी, और हम इसमें सीधे कंट्रोल वाल्व डाल करके मशीन पे फटवा करके दे दें तो वो एक पक्का काम आपका नहीं होगा। आपकी ये जो स्प्रिंग की, स्प्रिंग से लेकर के सरफेस तक की जो डायमेंशन है वो 0.910 से लेकर के 0.950 mm तक आनी चाहिए C3I इंजेक्टर में। बाकी रही बात आपकी जो C2I इंजेक्टर है उसमें यही डायमेंशन आपकी 0.850 से लेकर के 0.930 के अराउंड आपको मिलेगी, और ज़्यादातर वो आपको 0.850 अराउंड लगभग 900 से नीचे ही मिलती है, किसी एक आधे में आपको इंजेक्टर में आपको ज़्यादा मिलेगी। तो आई होप ये जो स्प्रिंग का आपका डायमेंशन है सरफेस से लेके ऊपर, अब इसमें कितना ऊपर नीचे चल सकता है बात यहाँ पे आती है, कितना ऊपर नीचे चल सकता है। तो जो इस इंजेक्टर के लिए हमने बताया 0.910 से लेकर के 950 के अराउंड, बिल्कुल इसमें 30-40 पॉइंट का अगर कोई अंतर है कि एक का 910 है एक का 930 है, 20 पॉइंट का अंतर है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग की टेंशन हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, 20-7 पॉइंट से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर 100-100 पॉइंट वेरिएबल है कि एक का तो आ रहा है 0.910 और एक का आ रहा है 1100, एक का आ रहा है 1050, तो वो फिर वहाँ पे इशू जनरेट होगा, और कितना रखना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो C2I में 0.850 से लेकर के 0.940 तक आपको ये वैल्यू मिलेगी, और इसमें 0.910 से लेकर के 0.950 तक आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसके बाद अब ये जो थोड़ा बहुत अंतर है 20 पॉइंट का, ये आपकी जो पायलट इंजेक्शन की रीडिंग होती है, जैसे जिसमें 1.2 या 2.2 ऐसे आता है, उसमें आधा एक पॉइंट का अंतर डालती है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ओपनिंग वगैरह सब कुछ इस रेंज में अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल ओके आपको मिलेगी। इसके बाद ये जो कंट्रोल वॉल्व है जिसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है कि ओरिजिनल डाल दिया फिर भी नहीं हो रहा, तो जिस नंबर का निकलेगा वही आपको लगाना है। अब किसी ने गलत फिट कर दिया है तो ये आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि पोलो I20 में 167 नंबर का डलता है, या 709 नंबर का शुरू में आया था पोलो में, तो 167 नंबर का जो है आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं।
बोलेरो में कौन सा लगेगा, अल्ट्रा में कौन से नंबर का लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो फुल लोड पे रीडिंग ज़्यादा, आइडलिंग में कम, इस तरीके की दिक्कत आपको, और चोक होने की दिक्कत भी आपको इस वजह से मिलेगी। अब आपने अल्ट्रा में जो है पोलो का अगर लगा दिया तो हो सकता है आपको जो है बार बार इंजेक्टर जाम होने की शिकायत मिल रही हो। तो अब ये आपका देखिए पंखा जो इसका आर्मेचर है वो बिल्कुल फ्री है। अब अगर मैं इस कैप को ओवर टाइट कर दूँ, 80 न्यूटन मीटर पर टाइट कर दूँ, 70 न्यूटन मीटर पर टाइट कर दूँ, तो वो आर्मेचर जो है जाम हो जाएगा। आर्मेचर जाम होने से क्या है कि ये फिर इंजेक्टर गाड़ी पर लॉक हो जाता है, तो मेरे को इसे 45 न्यूटन मीटर पर ही टाइट करना है। इस कैप को 45 न्यूटन मीटर पर टाइट करना है। न्यूटन मीटर ये हमारी टॉर्क रिंच है टॉप टूल की, यहाँ पे जो है हमारा न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसे सेट कर लेंगे। 45 न्यूटन मीटर पे इसको हमने सेट कर लिया है। अब इसको इसे टाइट कर दे। अब ये आपका इंजेक्टर जो है मशीन पे ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद आप इसको ओपनिंग देख करके, जो आपने कैलकुलेटर वाले सिस्टम होते हैं तो ओपनिंग देख करके और रीडिंग मेन या बैक देख करके आप फिर दे सकते हैं। हालांकि उस पर मेन रीडिंग आपकी एक्यूरेट नहीं आती है कैलकुलेटर सिस्टम पे। कैलकुलेटर सिस्टम मैं उन सिस्टम को बोल रहा हूँ जो नॉर्मल डिब्बे हैं हमारे, जिसमें पल्स बढ़ा सकते हैं और प्रेशर बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। उस पर नोजल की जो रीडिंग है वो इतनी खास नहीं पता लगती, लेकिन अगर आपका टेबल वर्क सही रहेगा तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा सही तरीके से इंजेक्टर को करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।